Assalamu alaikum dear viewers, I hope you all are fine. Today I am going to tell you about how to preserve bones of frog. So first of all, for starting this experiment, I would like to tell you about its apparatus. So we have a dissected frog from which we remove its mass and collect the bone, and after that we preserve it. So I will tell you about its whole procedure, how to preserve the bones of frog. Then this one is a dissected box, and this is a petri dish, this one is a beaker, and this is a washing liquid, and this is a hydrogen peroxide solution which we use for bleaching the bones. Or this one is a glove, and this one is a oil, or you can say any oil for greasing purpose. So these are the apparatus. Now I am start its experiment. To start to perform this experiment, so ये हमने जो है वो एक dissected frog ले लिया है, ठीक है. अब जो है हम इसकी bones को जो है वो remove करेंगे, ठीक है. bones को निकालेंगे, इसकी muscles को remove करते हुए, ठीक है. So हम इसमें से जो है वो कुछ instrument ले लेते हैं, just like हम लगाना start कर दिए. आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली आर्टिकुलेटरी स्केलेटन है. हम इसके बोन्स को जब सेपरेट कर देंगे तो ये डिसआर्टिकुलेटेड होगा. अभी हम जो है वो फिलहाल इसको डालकर जो है वो इसको हमने वॉश कर दिया है, और हम इसको एक बीकर में रख रहे हैं, और हम इसकी अब क्लीनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है. सो हम इसको मज़ीद वॉश करेंगे, और फिर हम इसको 2 से 3 घंटे तक ऐसे रख देंगे, या हम इसको 1 डे भी रख सकते हैं. जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं 1 डे के लिए हमने इसको रख दिया था. हम आज इसमें को निकाल रहे हैं, और ये बोन्स हम इसमें से जो है वो एक बोन लेते हैं. मैं इसकी जो है वो एक बोन उठा लिए. अब हम इसको जो है वो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग मज़ीद करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको ग्लीजिंग करेंगे. वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम जो है वो एक विम का सॉल्यूशन या कोई भी हम जो है वो वॉशिंग लिक्विड ले लेंगे. देन हम क्या करेंगे, ये ऑयल हमने लेना है, इसको थोड़ा सा हमें ऑयल जो है वो जस्ट 1 ड्रॉप जो है हमें इसमें डालना है. अब इसको जो है हम मज़ीद 1 डे के लिए रख देंगे. जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमने इसको जो है वो क्लीनिंग के लिए इसकी डीग्रीजिंग की थी बेसिकली ऑयल, और हमने जो है वो कोई सॉल्यूशन लिया था हमने डिटर्जेंट जस्ट लाइक, या हम कोई भी लिक्विड वॉशिंग जो है वो कोई भी पाउडर या सॉल्यूशन ले सकते हैं, वॉशिंग लिक्विड. सो हम अब क्या करेंगे, अब हम इसको ब्लीचिंग करेंगे. हम इसका मास जो है वो बिल्कुल रिमूव करने के बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड ये सॉल्यूशन हमने लिया है, इसके अंदर डालकर हम इसकी ब्लीचिंग करेंगे. देन फिर ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद जो है वो बिल्कुल ये क्लीन हो जाएंगी बोन्स. आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया है, 1 डे बाद हम इसको ड्राई करने फिर दोबारा चेक करेंगे. व्यूअर्स, अब हम जो है वो इसको निकालेंगे. आप देख सकते हैं इसका काफ़ी मास जो है वो हट गया है, और हमने इसको रिमूव कर दिया था. अब हम जो है वो 1 डे बाद इसको ड्राई करेंगे. जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो क्लीन हो चुकी है, और ये ड्राई हो चुकी है, इसका मास जो है वो सारा रिमूव हो चुका है, ठीक है. इस तरह से हम जो है वो क्लीनिंग कर सकते हैं, हम इस तरह से बोन्स को जो है वो फ्रॉग की प्रिजर्व कर सकते हैं. ये जो है हमारे पास ये डिसआर्टिकुलेटेड बोन्स हैं, ठीक है. ये फ्रॉग की डिसआर्टिकुलेटेड हैं, ये सेपरेट हुई हुई हैं, और एक हम मैं आपको स्कल दिखाती हूँ जो कि है आर्टिकुलेटेड.